So hey guys, what is up? This is me Gaurab and you are watching Pokemon Assemble. So first of all guys, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। So दिल से शुक्रिया। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डोरेमोन का लॉस्ट एपिसोड, जो कि एक टाइप का क्रीपी पास्ता है। और मैं इस एपिसोड को व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो कंफ्यूज मत हो जाना। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना प्लीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारे व्यूअर कहते हैं कि मैं डेली मोशन में डोरेमोन के न्यू एपिसोड ढूंढ रहा था, तभी मुझे डोरेमोन का एक स्ट्रेंज सा एपिसोड दिखा जिसका टाइटल था तास्केते डोरेमोन, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है डोरेमोन प्लीज हेल्प मी, जो कि बना था 1999 में। और इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया गया था एक VHS टेप में। फिर एज अ डोरेमोन फैन मैंने उस वीडियो को क्लिक किया और एपिसोड को देखने लगा। उस एपिसोड का इंट्रो एकदम नॉर्मल था जैसा होता है, फिर डोरेमोन का टाइटल कार्ड रिवील होता है और म्यूजिक एनिमेशन सब कुछ एकदम नॉर्मल थे। फिर वो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लोग नोबिता और उसके दोस्तों को पार्क में बातें करते हुए देख पाते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जापानीज में बात कर रहे थे, मगर जापानीज तो मुझे आती नहीं। फिर हम देखते हैं कि नोबिता जियान का मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो नोबिता के मुंह पे एक बहुत जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं, मगर वो टूटते नहीं। फिर सिजुका और सुनियो जब नोबिता को देखते हैं तो वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि नोबिता के मुंह पे और हेड में बहुत सारे बम्प्स थे और नोबिता का नाक बह रहा था, वो भी रेड कलर का, और उसका एक आंख काला पड़ गया था और उसका नेक भी टूट गया था। और ये सब चीजें इतना रियलिस्टिकली ड्रॉ किया गया था कि हमारे व्यूअर भी इसे देख के डर गए थे। नोबिता रोने लगता है और अपने ग्लासेस को ढूंढने के लिए नीचे झुकता है। फिर कुछ देर बाद उसको अपना ग्लासेस मिल जाता है और उसको पहन लेता है, और जैसे ही वो पहनता है वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग दिखने लग जाता है। फिर नोबिता के दोस्त उसको देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नोबिता और भी ज्यादा रोने लगता है और फिर वो भी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। फिर घर में उसके पेरेंट्स उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि नोबिता को टेस्ट में 0 मिला था। फिर वो रोते हुए सीढ़ियों के ऊपर अपने कमरे में जाता है और रोते रोते डोरेमोन से हेल्प की भीख मांगता है, मगर डोरेमोन अपने मजे में विंडो की तरफ देख रहा था और कोई भी रिस्पांस नहीं देता, जिसकी वजह से नोबिता और भी ज्यादा रोने लगता है और फिर वो जोर से चिल्लाता है डोरेमोन प्लीज हेल्प मी, जो सुन के डोरेमोन पीछे की तरफ मुड़ता है। और वो जैसे ही मुड़ता है हमारे व्यूअर डोरेमोन को देख के एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि डोरेमोन की आंखें बहुत ही ज्यादा वाइड थी और लाल कलर की थी और उसका फेस भी बहुत ही ज्यादा क्रिपी दिख रहा था। फिर डोरेमोन नोटिस करता है कि नोबिता के फेस पे बहुत सारे इंजुरीज है, जो देख के वो डर जाता है और डर के मारे चिल्ला देता है और डेस्क के नीचे छुप जाता है, और वो नोबिता को कहता है दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास मत आओ। इसके बाद नोबिता जब डोरेमोन को छूता है, डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्ला देता है और वहाँ से भाग जाता है, और नोबिता भी उसका पीछा करने लग जाता है, मगर डोरेमोन अब भी भाग रहा होता है क्योंकि वो नोबिता से बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तभी वो लोग एक फ्रंट लॉट के पास पहुँच जाते हैं और डोरेमोन इधर उधर भागता है और उसके आंखों से रेड कलर की आंसू निकल रही थी। और लिटरली गाइस, इस पार्ट को पढ़ते वक्त मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे। फिर डोरेमोन इधर उधर भागता है और तभी वो एक पत्थर से टकरा के नदी के नीचे गिर जाता है। फिर डोरेमोन एकदम से नॉर्मल हो जाता है और सरप्राइजिंगली उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वो इधर उधर देखता है और तभी वो नोबिता को देख पाता है, जो कि अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था और उसके सिर में से लाल कलर का लिक्विड निकल रहा था। फिर डोरेमोन नोबिता को हील करने की कोशिश करता है, मगर उसके कोई भी गैजेट्स नोबिता के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। फिर सैडली डोरेमोन नोबिता को पकड़ता है और पीठ में लेके वहां से चलने लगता है। फिर धीरे धीरे स्क्रीन ब्लैक होने लगती है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर व्यूअर कहते हैं कि मैं ये एपिसोड देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था और मैं कई वीक्स तक सो भी नहीं पा रहा था,
क्योंकि मैं जब भी सोता मुझे एक ही ड्रीम आता कि डोरेमोन एक शार्प रॉक से मुझे इंजोर कर रहा है। फिर इस शॉक से बाहर निकलने के बाद जब मैं फिर से डेली मोशन में गया तब मुझे ये एपिसोड वहां पे कहीं नहीं मिला। ये एपिसोड एकदम ही गायब हो चुका था। तो ये थी डोरेमोन के लॉस्ट एपिसोड की कहानी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।